एक ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार में किसी को राजनीति का र तक नहीं आता था। बचपन भी था गरीबी और अभाव में, लेकिन जुनून था, समझ थी, पढ़ने का जज्बा था और मन में थी भारत माता के लिए सच्ची प्रेम भावना। जीवन में उनको जो भी परिस्थिति मिली उसमें वो खुद को ढालते चले गए। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचना, या फिर हिमालय की कंदराओं में तपस्या, या फिर बड़े होकर राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के प्रचारक से लेकर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी, मोदी जी का एक ही लक्ष्य था, सेवा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में रोचक तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात के वादनगर में दामोदर दास मूलचंद और हीरा बेन के घर एक पुत्र पैदा हुआ। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यही आगे चलकर गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बने। मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात के कुछ बच्चों ने बाल स्वयं सेवक की शपथ ली थी। उनमें से एक बच्चा 8 साल का नरेंद्र मोदी भी था। मोदी बचपन में एक्टिंग और नाटकों में भाग लेते थे। मोदी NCC में भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वादनगर रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेची है। बचपन में मोदी तालाब से एक मगरमच्छ पकड़कर ले आए थे, बाद में मां के कहने पर वापस छोड़कर आए। मोदी का विवाह 18 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया था, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही उन्होंने घर छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला किया। उनकी पत्नी का नाम जसोदा बेन था। मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया था। मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी शाकाहारी हैं और सिगरेट शराब को हाथ भी नहीं लगाते। जब मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी माँ ने कहा था कि बेटा कभी रिश्वत मत लेना। गुजरात के 13 साल के शासन में मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे तो वहाँ के सारे छोटे काम करते थे, जैसे कि साफ सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना भी उसमें शामिल था। RSS के प्रचारक दाढ़ी नहीं रखते, लेकिन मोदी दाढ़ी रखते थे। 1975 में आपातकाल के दौरान RSS जैसी संस्थाओं पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो मोदी सरदार का वेश बदल कर रहते थे। मोदी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से MA की है। नरेंद्र मोदी मोड़ घांची जाति से संबंध रखते हैं। नरेंद्र मोदी की 1 साल की सैलरी 19 लाख रुपए है। भारत के कई लोगों के विरोध के कारण 2004 से 2013 तक अमेरिका ने मोदी को वीजा नहीं दिया था, लेकिन PM बनने के बाद अमेरिका का खुद बुलावा आया था। नरेंद्र मोदी को कई तकनीकों का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे पहले मोदी ने ही 3D तकनीक का प्रयोग करके भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी ने कई बार बताया है कि वो सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के फेमस ब्रांड मोबेडो की ही घड़ी पहनते हैं। इस घड़ी की कीमत 40,000 से 2 लाख तक है। एक बात ये भी है कि PM मोदी उल्टी घड़ी पहनते हैं, क्योंकि वो इसे लकी समझते हैं। नरेंद्र मोदी जर्मनी के फेमस ब्रांड माउंट ब्लैंक के पेन इस्तेमाल करते हैं। माउंट ब्लैंक यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वैरन बफे से लेकर तमाम पावरफुल लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। PM मोदी जो पेन यूज करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 है। नरेंद्र मोदी जो चश्मा लगाते हैं वो बुल्गारी ब्रांड का है। बुल्गारी इटली का नंबर 1 ब्रांड है। बुल्गारी का मुख्य काम ज्वेलरी बनाने का है, लेकिन अब ये कंपनी घड़ियां, परफ्यूम और होटल बिजनेसेस में भी कूद चुकी है। इन चश्मों की कीमत 30,000 से 40,000 रुपए होती है। नरेंद्र मोदी के कपड़े विपिन और जितेंद्र चौहान की दुकान पर सिले जाते हैं।
ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं बल्कि इन दोनों की अहमदाबाद में जेड ब्लू नाम की 150 करोड़ की कंपनी है। 1989 के बाद नरेंद्र मोदी के कपड़े यहीं से सिलते आ रहे हैं। मोदी खुद अपने सूट का फैब्रिक, कलर और डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।